नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर है। जी हां, खबर अपराध से जुड़ी हुई है। आपको पता ही है कि होली के दिन ही कन्हैया कौशिक की हत्या कर दी गई थी। कन्हैया कौशिक जेडीयू के छात्र नेता थे, जेडीयू के छात्र विंग के उपाध्यक्ष थे और होली के दिन उनकी हत्या हो गई थी। अब उनके हत्यारों को पटना पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से धर दबोचा है। तो बहुत बड़ी सफलता मिली है पटना पुलिस को। जो आरोपी है कुश शर्मा, उसको पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से दबोचा है। ये हत्या का मुख्य अभियुक्त है और इसकी गिरफ्तारी से पुलिस की बहुत तारीफ हो रही है। कुश शर्मा की गिरफ्तारी पर बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि यही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कानून का राज। उन्होंने कहा है कि शैशव अवस्था में राजनीतिक कार्यकर्ता कन्हैया कौशिक की हत्या कर फरार हुए कुश को बिहार पुलिस ने आखिरकार दिल्ली के एयरपोर्ट से धर दबोचा है। इससे पूर्व कुर्की जब्ती और लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। तो छात्र नेता की हत्या हुई थी, इसको लेकर सरकार निशाने पर भी आई थी। विपक्ष ने हमला भी बोला था कि सत्ताधारी दल के ही छात्र विंग के नेता की हत्या हो गई है, फिर दूसरों की रक्षा सरकार कैसे करेगी। लेकिन अब जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हत्यारे को, तो नीरज कुमार ने ये बयान जारी किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि इसकी गिरफ्तारी से उनके परिजनों और चाहने वालों को तत्कालिक थोड़ी राहत मिलेगी, चैन मिलेगा, संतोष होगा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी कानून के प्रति भरोसा बढ़ेगा। कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधी गुंडा चाहे कितनी भी दूर चला जाए, कानून के ऐसे लपेटे में लेंगे कि जन्म जन्मांतर तक याद रहेगा। गौरतलब है कि 11 मार्च को होली के दिन रात करीब 8 बजे छात्र जेडीयू उपाध्यक्ष कन्हैया कौशिक और उसके दोस्त चंदन कुमार को गोली मार दी गई थी। घटना शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के महेश नगर रोड नंबर 5 में घटी थी। साथ मौजूद छात्रों ने गंभीर रूप से घायल कन्हैया और चंदन को बाइक से अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान कन्हैया की मौत हो गई। चंदन की हालत खतरे से बाहर है। कन्हैया के साथियों ने आरोप लगाया कि हत्या पोस्टर पर नाम नहीं छपने के विवाद में की गई थी। तो जो हत्यारे थे दबोचे गए हैं, मुख्य आरोपी पकड़ा गया है और इसको सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है और कह रही है कि यही कानून का राज है। हत्यारा चाहे कोई भी हो, सत्ता से जुड़ा हुआ हो या विपक्ष से सरोकार रखता हो, बचेगा नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।